डायरेक्टर स्वर्ग जाएगा पापा कितना खुश है कौन सा घाट है अंशुभ? अरे बाप रे बाप, स्कूटी का क्या हाल हुआ है? और क्या बन रहा है घर? ऐसा कुछ हाल हो गया स्कूटी का? अरे वो तो निकल जाएगी, पर हालत देखिए इसकी, क्या हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। हाँ तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 12:31 और हम लोग अभी हड़की पौड़ी नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग लोकल घाट जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने किसी ने भी नहाया नहीं है, तो अभी हम लोग लोकल घाट जा रहे हैं और वहाँ पे नहाएंगे वगैरह। बहुत सुंदर घाट बना है, सुना है, जैसे उसका नाम है गोविंद घाट करके एक जगह है, वहाँ जाएंगे, दिखाता हूँ फिर वहाँ पे जाके नहाएंगे, नहाए वहाएंगे, थोड़ा अपना पाप वाप धोएंगे यार। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं हरि के द्वार आए हैं, हरिद्वार, तो थोड़ा बहुत तो गंगा जी में नहाना बनता ही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा नदी में नहाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे नहाएंगे और देखते हैं क्या एक्साइटमेंट हो सकता है, फन हो सकता है। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है, फन होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तुम लोग भी हमारे साथ जुड़े रहना और देखना कि हम लोग कहाँ जाते हैं। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही होने वाला है। फूफा जी हम लोग को लेके जा रहे हैं, बोले कि हड़की पौड़ी में भी नहा लेना शाम में, बट अभी क्या करें, अभी तो कुछ करने के लिए था भी नहीं और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक बार यहाँ से भी नहा के आ जाते हैं, दो बार नहा लेंगे, तीन बार नहा लेंगे यार, आए हैं तो गंगा ही नदी में नहाएंगे, क्या हो गया। तो अभी चलेंगे तो ऐसा मौसम हो रखा है कुछ आसपास का। ये कॉलोनी है हमारी, जैसा कि देख सकते हैं ये कॉलोनी है। आगे पापा का ऐसा आउटफिट है अभी नहाने के लिए और मम्मी का ऐसा है और फूफा जी अपने ट्रेडिशनल स्कूटी के साथ, स्कूटर के साथ। चलो चले अभी अभी और वहाँ भैया हैं, वो बाइक निकाल रहे हैं। गिरा फिरा दिया ना तो हो जाएगा। तुम बैठ जाओ मम्मी पापा के साथ, हम स्कूटर पे हो जाएंगे। मम्मी का थोड़ा थोड़ा आता है। कैसी क्या मैं कुछ नहीं बोल रहे, मम्मी का पैर तोड़वा देंगे स्कूटी पे, पहले बहुत दिन बाद ट्रैवल करूंगा मैं। एक मिनट रुका जी, हम लोगों का घर जो ना हार्ट ऑफ सिटी है। सही बात है, बिल्कुल सब चीज नजदीक है और बहुत डेवलप हो गया है, बहुत ज्यादा, और प्रॉपर्टी का रेट भी तो इधर बहुत ज्यादा हाई है। कहाँ रह रहे हो ना? हाँ। 3 करोड़ से ऊपर का मकान है वो। 3 करोड़? हाँ जी। विश्वकर्मा घाट और यादव घाट दोनों हैं। विश्वकर्मा घाट और यादव घाट, ये दोनों यहीं पे हैं और दोनों यहीं पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। फोटो है सम्राट जाहिर सेन जी, जाहिर सेन जी। भारत माता की जय। ऐसा कुछ घाट और पानी का फ्लो बहुत ही तेज है। तो गाइस देख सकते हैं इसका नाम है विश्वकर्मा घाट और पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं, और लोग नहा भी रहे हैं। मैं नहाते हुए फोटो तो इनकी वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, इलीगल होता है वो, बट बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और यहाँ से सीनरी अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोग को तो दिखा पाऊँगा,
वो देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे ऐसे पहाड़ वगैरह सब है, ऐसा पहाड़ वगैरह, और ये चारों तरफ ये ब्यूटी है यहाँ की। पानी का बहाव भी आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है। अगर ऐसा बिना किसी प्रोटेक्शन के चले गए अंदर तो आप फिर बह जाओगे, निकल जाओगे फिर आप। तो वो है वहाँ पे, देख लीजिए सीनरी वगैरह मस्त है, और यहाँ पे गंगा जल लेने के लिए सब वगैरह यहाँ पे मिलता है, जिसमें आप घर गंगा जल लेके जा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है यार इन्होंने, बहुत बहुत ज़्यादा। श्री कृष्ण घाट ऐसे कैसे कुछ लिखा हुआ है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो बहुत ही सुंदर बना रखा है इन्होंने, और अच्छा भी है यार यहाँ घाट है। उसके बाद अभी यहाँ पे नहा के हम लोग शाम में हो सके तो हर की पौड़ी भी जाएंगे, जहाँ आरती होता है, तो वो मैं शाम में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं नीचे और फिर नहाते हैं। जिस काम के लिए हम लोग आए, मेनली गंगा नदी में नहाएंगे और अपने सारे पाप धोएंगे गाइस, सारे पाप। उस पर गोविंद घाट है, मतलब वो वाला जो है गोविंद घाट हो गया, वो गोविंद पूरी का मतलब हमारे घर से निकलेंगे सड़क के इस पार आएंगे तो गोविंद घाट कहलाएगा। यहाँ पर शाम को बहुत बढ़िया आरती होती है, देखने लायक होती है यहाँ पे, और इस जगह पे। अच्छा, और इधर नहीं होती है? इधर यहाँ इस जगह आरती होती है, इतनी बढ़िया नहीं है जितनी की वहाँ होती है। हड़की पौड़ी जाएंगे आरती के लिए, आरती वगैरह वहाँ पे अच्छा होगा वहाँ। अरे वो तो फेमस, यहाँ नहा लो हड़की पौड़ी पे भी नहा लेंगे अगर मन किया सामने तो, नहीं तो वहाँ सामने क्या नहाएंगे, हम लगा लेंगे डुबकी, दो बार लगा लेंगे डुबकी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा भी मैं छू के आया था। रुके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पानी, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। पापा आप संभल के जाइएगा, पता है बचपन में डूब गए थे, बड़ी मान निकाली, और आगे बढ़ो। ठंडा है क्या पापा पानी? ना ना, डुबकी मारिए, डुबकी मारिए, डुबकी मारिए, और आगे बढ़ो, डुबकी मारिए ना, एक एक बार डुबकी मारिए जल्दी, और आगे बढ़ो, एक बार नाक बंद करके डुबकी। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया, कैसा लगा? चालू है, ठीक है, जाओ बस हम यहाँ पे जाते हैं, जाओ जाओ जाओ। सीढ़ी है, सीढ़ी, हाँ सीमेंटेड सीढ़ी है, आगे बालू जमा होगा। अरे दो चार बार और मारो यार डुबकी, जाओ 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 जाओ, और आगे चढ़ो, और आगे बढ़ो, हाँ हाँ और मारो, और थोड़ा आगे जाओ, अबे नहीं भागोगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो, चारों तरफ से घेरा हुआ है। अरे कम से कम सात जन्म के लिए सात डुबकी मार लो, सात डुबकी, और दो हुआ है ना, दो, हाँ दो ही हुआ है। अरे चश्मा तो खोल दो, ये चश्मा पहन के नहाने जा रही है, देखो तो यार पता चलेगा कि सीसा वो निकल जाता है, बह गया सीसा, बह गया, उसी में बह गया, चार हुआ चार, हाँ नीचे नहीं है, धीरे धीरे आओ। हाँ तो गाइज हम लोग नहा चुके हैं, और अभी एक ट्रेजेडी देख ही लिया होगा आप लोगों ने पहले, और एक ट्रेजेडी भी हो गया, अगर हो सके तो मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर दूं वीडियो में, मेरी मम्मी के साथ हो गया था, मेरी मम्मी गंगा नदी में डूबते डूबते बची, मतलब थोड़ा सा हो गया था, आप देख लो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उस चीज़ को, कर देते हैं। हाँ आरसी है, आरसी, आरसी, आरसी दिख रहा है, आरसी दिख रहा है, साइड में दिख रहा है, ए? 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 ए?
देखो देखो जाओ 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 बस 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 खींच लो पकड़ो पकड़ो डंडा पकड़ लो डंडा पकड़ लो डंडा पकड़ लो खींच लो खींच लो खींच लो हो जाएगा पकड़ कर पकड़ पकड़ लो पकड़ लो आराम से अरे आ जाओ बिठा देंगे आगे कैसे निकल गई वो हाँ तो गाइस होप करता हूँ कि अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या हुआ था हमारे साथ अभी क्या हुआ है होपफुली सब कुछ ठीक रहा और कमेंट में बताना जो भी आप लोगों को बताना हो तो मैं तो रेडी हूँ ये देखिए ये वाला मैंने कुर्ता पहना है और अब हम लोग जाएंगे मम्मी चेंज कर रही है और अभी तो बिल्कुल भी नहीं और पानी का लेवल बहुत बढ़ रहा है मम्मी से पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा था बता मम्मी डूबते डूबते बची हो बहुत डर लग रहा है अभी यहाँ पे तो हम लोग का हो गया है बहुत ही सुकून मिला पर बहुत ज़्यादा सुकून मिला पानी में नहा के गंगा नदी के पानी में नहा के आप एक चीज़ तो आप कह लोगे कि थकान दूर हो जाती है और बहुत बहुत फ्रेश फील होता है और यार जब मैं नहाया और जब पूजा किया मैंने पूजा भी करा मैंने प्रणाम किया मैंने गंगा माँ को प्रणाम किया और बोला कि हमें खुश रखे जो भी हमें चाहिए जिस चीज़ में भी हमारा मन होता है या फिर जो भी चीज़ हमें चाहिए उस वो शक्ति दे हमें कि हम वो अचीव कर पाएँ मैंने मांगा नहीं है मैंने बस बोला है कि मुझे मोटिवेट रखें मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मुझे मोटिवेट रखें मैंने बस यही दो तीन चीज़ मांगी है भगवान से गंगा माँ से मांगी है कि यार जो हो गया उसे तुम चेंज नहीं कर सकते चेंज कर सकते हो तो तुम आने वाला कल चेंज कर सकते हो तो यार अच्छे से रहो बस ऐसा ही है यहाँ के यार बता रहा हूँ बहुत पीस है मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को मैं बहुत खुश हूँ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन आधे घंटों में यहाँ पे ये जो रॉड था वो रॉड डूब चुका है अब बिल्कुल भी जिसको पकड़ के मैंने पकड़ के मम्मी को बचाया था ये वाला डूब चुका है और धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है ये यहाँ तक पूरा डूब जाता है तो आप लोग देख सकते हैं बस तो चलते हैं घर और टीवी पे वीडियो चला के सबका रिएक्शन भी नोटिस करेंगे कि सबका रिएक्शन कैसा था एक्सीडेंट वाले केस पे चलते हैं लो लो कबाड़ी ये साला उठा के ले जाए ठीक है भाई थैंक यू ठीक है भैया अरे आप लोगों ने बचा लिया नहीं तो लक्ष्य है तो वहाँ हो नहीं सकती कोई हाँ लक्ष्य होता है ना लक्ष्य वो लक्ष्य चाव है हाँ अच्छा हमारी चेतक स्कूटर को देख के मेरे को गाना है आगे नंबर प्लेट के लिए कुछ बोलता नहीं है क्या यहाँ पे कुछ नहीं बोलता कोई सही बात है लेकिन तक इस फोटो को देख के मेरे को जस्सी गिल का गाना याद आ गया रिएक्शन बताइए बाप रे अभी जो ट्रेजेडी हुआ है मम्मी डूबते डूबते बची है जनरली पूरा होता मैं चला गया था एकदम घुस के एकदम और मम्मी को ऐसे पकड़ के टांग दिए तुम नहीं और फिर उसके बाद ना सब आ गए लोग वहाँ पे जो तैर रहे थे फिर हम लोग को निकाले मम्मी तो पूरा ऐसे ऐसे घुस गई थी पहले खूब मजा आ रहा था एकदम मस्त नहा रहे थे ये कूद कूद के तपस्या कर पापा कितना खुश है
पापा बहुत खुश है। जब जब मैं गया ना तो उसके अकेले रह के क्या करेंगे, हम चलते मजा नहीं आया ना। मजा तो बहुत आया, 7 जन्म का 60 डुबकी लगा के आए। पप्पा जी बोले 7 जन्म का 60 डुबकी मार गया। जो भी चीज़ हुआ उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेचर बहुत शक्तिशाली होता है। हम जो इंसान हैं, हमारी क्या औकात है नेचर के सामने। नेचर ही से हम सब चलते हैं, नेचर ही हमें या फिर हमारा खाना पीना रहना या जो भी है सब नेचर के इर्द गिर्द ही होता है। तो यार हम नेचर को अगर नेचर से खेल करेंगे तो फिर नेचर हमारे साथ जो खेलेगा तो यार फिर तो हम गए, पूरा नेचर हमें पूरी तरह से ले लेगा। तो यार नेचर के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, नेचर को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज के इस इंसिडेंट से मेरे को यही सीख मिलती है। आप लोगों को क्या सीख मिलती है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जैसे कि मैंने पहले बोला, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को, और हो सके तो कमेंट भी कर देना जो भी आप लोग को इस वीडियो से लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। दिस इज अर्ची चौधरी साइनिंग ऑफ। धुएं के बादल है दुनिया, ये मादर है छोर, रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है। ट्रिप ये अलग, माल में फर्क, नच बली है तूने देखी अभी झलक, नान मेरा कड़क, संगीत के ठरक, तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत। सब जलने लगे है, काफी डरने लगे है, मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे है, मेरी बातों के नोट्स और फर्र लगे है, मेरी बातों के बारिश में गलने लगे।